नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। हिंदुस्तान में सस्ती है तो सलाह, सलाह जिसे गाहे बगाए हर कोई दे जाता है, मांगे और बगैर मांगे। आए दिन साधु संत अपनी सभाएं करके या टीवी चैनल के माध्यम से अपने प्रवचन देते रहते हैं। उनका क्या उद्देश्य होता है, आज हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। आज हमारे साथ एक नहीं दो दो शख्सियत है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के बाद अपना पूरा जीवन एक नेक काम में समर्पित कर दिया। तो आज हम उनसे बहुत सी बातें करेंगे और जानेंगे उनसे उनके दिल की बात। मुर्गी चलती होगी या बकरी, तो मुंह में तो पानी नहीं आता है। कोई भी प्रजाति की माँ हो, उसको दूध उसी समय आता है जब उसका बछड़ा हो जाता है। जो ना जाना चाहिए वो डालेंगे तो बीमारी होगी। कई बार आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता होगा। कोई लोग ऐसे हैं जो ऑपोजिशन ही करते हैं। नमस्कार डॉक्टर नंदिता शाह जी और दर्शना मजुमदार मैम, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम दिल से में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दोनों वीगन फूड एक्सपर्ट हैं, तो जो ये वीगन फूड है ये टोटली प्लांट बेस्ड फूड है और मांस मछली डेयरी प्रोडक्ट्स इन सबका त्याग करना है, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है या इमोशनल रीज़न है, क्या आप कहना चाहेंगे? सो मैं डॉक्टर हूँ और मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट टू ईट हेल्दी देन यू शुड ईट द फूड विच गॉड और नेचर डिज़ाइन फॉर अस। मैंने कुदरत से हमें क्या खाना चाहिए, जैसे कि अगर हमारे पास गाय है तो हम घास देंगे, सी है तो मांस देंगे, ये उल्टा तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको क्या खाना चाहिए वो सोचते नहीं हैं। तो बेसिकली अगर आप फार्म में जाएंगे और फ्रूट्स और सब्जी देखेंगे तो जी चाहता है कि खा लो, लेकिन मुर्गी चलती होगी या बकरी तो मुंह में तो पानी नहीं आता है, राइट? दीज आर नॉट आवर फूड्स और वी कैन नॉट ईट इट रॉ। लेकिन जब हम खाते हैं मांस तो उसका स्किन निकालते हैं, हड्डी निकालते हैं और फिर भी नहीं खा सकते, उसको काट के छुरी से और उसको कुक करके ही खा सकते हैं, राइट? तो ये हमारा कुदरत से खुराक नहीं है, मतलब नेचुरली जो हम खा रहे हैं वही खाना चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहे। जो ना जाना चाहिए वो डालेंगे तो बीमारी होगी, राइट? मैडम आपका क्या कहना है? गाय का दूध मतलब क्या, बच्चे का खुराक है। कोई भी प्रजाति का बच्चा हो, माँ के दूध को 2-3 घंटे पे ज़रूर उसका आवश्यकता होती है। हम गाय और बच्चे को अलग करते हैं और गाय को सिर्फ 2 बार उसका दूध निकालते हैं, मतलब उसको 12 घंटा दूध जमा करने को मजबूर कर रहे हैं। और ये बछड़ा जो है उसको हम उसका दूध नहीं देते हैं, वो तो माँ का दूध उसका जन्म हक है। कोई भी प्रजाति की माँ हो, उसको दूध उसी समय आता है जब उसका बछड़ा हो जाता है। इस वीगन फूड का ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसका भी त्याग करना है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो प्रोटीन के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो फिर इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? क्या आप लोग सजेस्ट करेंगे कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स अगर उसको बंद कर दें तो क्या लेना चाहिए, क्या रिप्लेसमेंट होने चाहिए? सी बेसिकली हमें ये सोचना चाहिए कि कितना प्रोटीन चाहिए हमें। मैंने आजकल प्रोटीन एक्सेस से बीमारियाँ होती है। कौन सी बीमारी प्रोटीन एक्सेस? सी प्रोटीन ग्रोथ और रिपेयर का इंग्रेडिएंट है। तो प्रोटीन एक्सेस से गाउट, एसिडिटी, कैंसर इज अ ग्रोथ, किडनी प्रॉब्लम्स, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब बीमारियाँ प्रोटीन एक्सेस के वजह से हो रही है। सो हमें प्रोटीन एक्सेस तो नहीं है, नहीं चाहिए, लेकिन हर एक सेल में प्रोटीन होता है, सो वी आर गेटिंग मोर देन इनफ प्रोटीन। सो ग्रीन्स, बीन्स, मैंने दालें, उसमें बहुत प्रोटीन है, हमें प्रोटीन की कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं होती। और एक बात भी है, हम सिर्फ एक न्यूट्रिएंट की क्यों बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। कोई बोलता है अरे इसके लिए प्रोटीन खाओ, फिर ये कैल्शियम के लिए ये खाओ, फिर विटामिन के लिए ये खाओ। कोई भी जानवर ये नहीं सोचता है कि अरे मुझे अभी प्रोटीन की ज़रूरत है तो मैं ये खाऊँगा, अभी मुझे कैल्शियम की ज़रूरत है तो मैं ये खाऊँगा। तो कुदरत ने इतनी अच्छी तरह से सब चीज़ों एक ही चीज़ में, मतलब पत्ते में या फल में, सभी चीज़ों में थोड़ा प्रोटीन होता है, थोड़ा कैल्शियम होता है, थोड़ा आयरन होता है, थोड़े विटामिन्स रहते हैं,
और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है फाइबर है, चौथा है, जो हमारे सिस्टम को क्लीन करता है। वो कोई भी दूध में नहीं होता है, ना मांस में होता है, ना अंडे में होता है, तो वो हमको सिर्फ पत्तों से और प्लांट बेस्ड फूड में ही मिलता है। और सबसे ज़्यादा आवश्यक है। वीगन फूड जब अपनाते हैं तो कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है और किस तरीके से एक ह्यूमन हेल्दी रह सकता है? एक्चुअली आजकल बहुत से लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फिर बच्चों को भी थायराइड, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन PCOD होता है, ओबेसिटी होता है, आजकल कैंसर भी बहुत चल रहा है, और किडनी डिजीज और ऑटो इम्यून डिजीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं। वी कैन अवॉइड इट बट वी कैन ऑल्सो रिवर्स इट। आई हैव रिटन अ बुक रिवर्सिंग डायबिटीज इन 21 डेज, एंड वी हेल्प पीपल रिवर्स डिजीजेस थ्रू ईटिंग करेक्टली। हमको ऑस्टियोपोरोसिस और ये सब दर्द होती है क्योंकि एक्चुअली हमारे बॉडी अल्कलाइन है। जब हम कोई भी एसिड चीज लेते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोक या सॉफ्ट ड्रिंक्स या शुगर, चीनी, नमक या प्रोटीन, प्रोटीन हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स, तो ये सब एसिडिक होते हैं। जब हम एसिड लेते हैं तो हमारे हड्डी से कैल्शियम निकल के न्यूट्रलाइज होता है। अगर हम एसिड नहीं लेंगे तो हड्डी के दर्द नहीं हो। तो इसीलिए वीगन में डेयरी प्रोडक्ट्स को आप लोग बिल्कुल ही कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। डेयरी और मांस एक ही है। हाँ। शरीर में ऐसा कोई इवेंट आपको याद होगा जहाँ वीगन फूड अट्रैक्शन रहा हो, लोग उसको ही पसंद कर रहे हो? ऐसा आप लोग बहुत सी जगह गए हैं। एक्चुअली हर दिसंबर अहिंसा फेस्ट होता है मुंबई में, और इतना बड़ा फेस्ट होता है इस टाइम, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 100 के ऊपर स्टॉल्स थे। मुझे पूरे दिन में सब स्टॉल्स में जाना नहीं मिला, मतलब इतने सारे, और पता है शायद 20,000 लोग आए। तो ये जो जानकारी है बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जब लोगों को पता चलता है कि नहीं सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए लेकिन धरती के लिए भी है ये, और जानवर के लिए भी है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कारण से लेकिन सभी तीनों जुड़े हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से वीगन बन रहे हैं। वीगन फूड को अपनाने से हम एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में हम अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हम सोचते भी नहीं है कि हमारा खाना और ग्लोबल वार्मिंग में क्या कनेक्शन है। अगर कोई नॉनवेज छोड़ देता है, हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो क्या उसका अल्कोहल इंटेक कम हो जाएगा? एक्चुअली यू नो हमारे पेट में जब हम प्रोटीन्स डाइजेस्ट करते हैं तो पेट से एसिड चाहिए, और हमारे पेट में इतना एसिड तो नहीं है। सो जब हम प्रोटीन खाते हैं तो ऑटोमेटिक अल्कोहल या सॉफ्ट ड्रिंक, मैकडोनल्ड्स में जाएंगे तो सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो अल्कोहल लेंगे, तो दोनों की ज़रूरत है क्योंकि एसिड इनफ नहीं है। अगर हम वेजिटेरियन खाएंगे तो अल्कोहल की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इंडिया में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अल्कोहल नहीं मिलता है, नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अल्कोहल मिलता है, क्योंकि नॉन वेज के साथ जरूरी है। सो ऑटोमेटिकली अल्कोहल कम हो जाएगा, सिगरेट स्मोकिंग भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एसिड चीजें हैं। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, के बाद फिर हाजिर होते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट और नेचुरल प्लेस पे जो रिसोर्ट्स बनाए अपने आप में अद्भुत है। रिसोर्ट बहुत सुंदर है एंड इनकी होस्टिंग तो लाजवाब हमेशा ही। ये तो मेरी फेवरेट जगह है। पहली बार यहाँ आया हूँ, आकर के लगा कि जन्नत बना के रखी तरुण जी ने। बहुआ फार्म हाउस में आना तो हम लोगों का एक ड्रीम रहता है। भैया साल में 2 बार फंक्शन करते हैं, तो पहले हम होली के उसमें आए थे। वापस बचपन में लौट गए हैं, वापस उन दिनों में लौट गए हैं जहाँ ज़िंदगी शुरू हो रही थी, क्योंकि अब तो बहुत एक्टिव लाइफ है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे लिखने के शौकीन लोगों के लिए तो ये वो जगह है कि 2-3 महीने के लिए मैं तरुण सर से बोलूं कि आप मुझे एक कोना दे दीजिए बस यहाँ का, और यहाँ से निकलूंगी जब वापस तो एक किताब लेके साथ में निकलूँगी। झूले डले हुए हैं डालों पर,
और खाना वाना सब मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा है, वेल मैनेज्ड, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे व्यूज इतने सुंदर है, देखकर मजा आ गया, बहुत सारे फोटोज खींचे, हर जगह ऐसा लग रहा है कि नेचर ने एक फ्रेम बना के रखा है, जहाँ जाओ वहाँ पर एक फोटो खींच सकते हैं, यहाँ आके एक रियल पीस फाइंड कर सकते हैं। और मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है और यहाँ का जो पूरा माहौल है, एटमॉस्फेयर है, सीजन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है। महुआ हाउस आना हमेशा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जिन लोगों से बहुत दिनों से मिल नहीं पा रहे थे उनसे भी मिलना हुआ, बहुत एडवेंचर करने को मिलता है, तो कुल मिला के बहुत मज़ा आया। यहाँ पर रह के, घर में रह के जंगल सा एहसास या जंगल में रह के घर सा एहसास होता है। प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको और बेहतर से बेहतर बना जाए। तरुण भाई का ये एक सपना है कि ये एक बहुत बड़ा होके फले फूले। हम लोग सुबह से सब आपस में झूले झूल रहे हैं, गीतों पे गाने गा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही अगर हम सब अपने वातावरण को बचाते रहें, सहजते रहें, सहजते रहें, तो हम ही नहीं हमारे बच्चे भी, उनका भविष्य भी अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा है, चारों तरफ जैसे जंगल है, ऐसी चीज़ें शहर में देखने में कम ही मिलती हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूँगा, अगर कोई फैमिली को पिकनिक के लिए आना हो, इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती। ब्रेक के बाद आप दोनों का फिर से स्वागत है। वीगन फूड का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके बाद आप कई संस्थाओं में भी जाते हैं, तो वहाँ से कुछ फीडबैक भी लेते हैं, तो कैसा आपका ये रहता है? हम तो बहुत कॉलेजेस में जाके ये कार्यक्रम करते हैं और हमारा सेमिनार इसी पे रहता है कि ये जानकारी बच्चों तक पहुँचे, और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट में, क्योंकि वो है जो रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाते हैं। और पहले बार अभी ये कॉलेज फेस्ट था, उसमें वीगन स्टॉल्स भी आए, तो उन्होंने वीगन बर्गर रखे, वीगन डिज़र्ट रखे, वीगन खाना भी रखा, क्योंकि उनको समझ में आया है कि ये खुराक जो हम खिला रहे हैं लोगों को वो सही होना चाहिए, उनको सेहत पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत फीडबैक बढ़िया रहता है। मैं लगभग 40 साल से वीगन हूँ और पहले कोई भी नहीं था, सोया मिल्क भी नहीं मिलता था, लेकिन अब कितने लोग हो गए हैं। आप देखेंगे तो हमारा पारंपरिक जो खाना है, ट्रेडिशनल फूड है, रोटी सब्जी दाल चावल कुचुम्बर पापड़ पिकल, उसमें आप दही और घी नहीं डाले तो वो वीगन ही है। तो हम जाने ना जाने हम वीगन खाना खा रहे हैं। आप बोलो राजमा या चावल, राजमा चावल या छोले या सब्जियां जो हम रोज़ बनाते हैं, उसमें घी अगर नहीं डाले तो वो वीगन ही है। तो इंडिया में, भारत में हमको वीगन बनना बहुत आसान है, और जो हम खाते हैं वो अच्छा भी है। मतलब अगर आप तेल थोड़ा कम करें और शक्कर वगैरह इस्तेमाल ना करें, जो हमारा सचमुच में पारंपरिक खाना है, आप वो खाना लगेंगे ना तो अपना सेहत बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे अभी आपने बताया है कि आप IHM में इंडियन होटल मैनेजमेंट जो भोपाल का सेंटर है वहाँ पर आप लोग आए, अपना आप लोग सेशन दे रहे हैं वहाँ पे, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहा है वो हम आपसे नहीं उन बच्चों से जानेंगे, उनसे खुद पूछ कर। नॉनवेज खाना अगर सब लोग छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली पल्सेस की, दालों की, वेजिटेबल्स की प्राइसेस इंक्रीज होगी। मेरे हिसाब से इतनी प्राइसेस बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर बढ़ भी जाता है तो आपके लोकल फार्मर्स को ही अच्छा है। मतलब जितना हम ऑर्गेनिक और लोकल खेती पे ध्यान देंगे उतना ही अच्छा अनाज वो उगाएंगे, उतना ही अच्छा हमको और मिलेगा। दूसरी बात, जब हम चिकन खाते हैं, कोई भी मांस खाते हैं, तो उसमें इतना प्रोसेसिंग जाता है, इतना केमिकल्स जाता है, तो हम जितना ये खाते हैं उतना हम बीमार पड़ते हैं। हमारा पैसा डॉक्टरों के पास ज़्यादा जाता है, हमारे हेल्थ पे कम जाता है। तो अगर वो भी पैसा बच गया तो वो आप अपने अनाज और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर खर्चा कर सकते हो, तो वो एक अच्छा तरीका है अपना हेल्थ बनाने का। वीगन फूड में आप नॉनवेज को स्ट्रिक्टली ये कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, तो क्या इसमें क्या नॉनवेज रेसिपीज नहीं होती है? हम नॉनवेज रेसिपीज जो कॉमन लोग सोचते हैं कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, हम उनको प्लांट्स लेकर उसका सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। अब जैसे दूध दही पनीर जैसी डिशेज़ हैं, हम उन्हीं को लेकर उनका सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पर बच्चों को हम लोगों ने सिखाया है। बच्चों के दिमाग में जब बोलेंगे भुर्जी तो उनके दिमाग में आता है अंडा का भुर्जी। हमने यहाँ पर सोया पनीर लेकर उसकी भुर्जी सिखाई है, और जो तेल के बिना बनी है, तो हम यहाँ पर से
सिर्फ टेस्ट के साथ नहीं, हम यहाँ पर उनकी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हैं और दोनों चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो अभी इन्हीं बच्चों ने पहली बार देखा है कि हम एक वेजिटेबल भी लेकर और जो बीन है उससे हम टोफू बनाकर, पहले उसका दूध निकाल कर फिर उसको फाड़ कर जैसे रेगुलर पनीर बनाया जाता है वैसे ही सोया का पनीर बनाकर उसकी भुर्जी भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पर वीगन फूड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है और सीखा भी है, तो क्या चीज़ आपको सबसे एक्साइटिंग लगी? जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनके भी हम लोग सब्स्टिट्यूट ला सकते हैं, जो कि हम लोगों ने सीखा भी यहाँ पर। जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, और ये एक नई चीज़ है जो नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है अभी पिछले 10 सालों में। तेल और बटर के बिना भी हम बहुत कुछ बना सकते हैं। जो भी फूड कंज्यूम करेंगे उससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। अभी नॉनवेज बनाते हैं तो उसको थोड़े टाइम के लिए रखना पड़ता है, तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी सोक करता है, और उसी एज कंसीडर वीगन फूड जल्दी भी क्विक होता है और सेफ भी रहता है खाने के लिए। जानवरों के ऊपर जो क्रुएल्टी होती है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी एनिमल लवर हूँ और उनको आप पाल भी रहे हो, प्यार भी कर रहे हो, और उन्हीं को फिर खाना अच्छा नहीं लगता। तो एज अ वेगन शेफ मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर एज अ करियर चूज़ करूँगी तो। ये वर्कशॉप उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने होल ग्रेन्स, जैसे हम गेहूँ यूज़ करते हैं, मैदा यूज़ करते हैं, इसके अलावा इन्होंने रागी, जवार, बाजरा, मक्का, इस वर्कशॉप में इन ग्रेन्स का, मिलेट्स का बहुत यूज़ हुआ है। तो इन्होंने इनसे अलग अलग तरह की रेसिपी बनाना सीखा। जो नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बनना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बनाना सीखा इन्होंने। हमने इंडियन होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट से बहुत सी बातें जानी, और उनमें जो एक्साइटमेंट था कि वीगन फूड को अपनाएं, वीगन फूड को प्रमोट करें, वीगन फूड को प्रोड्यूस करें, और उसको एज अ करियर भी वीगन शेफ़ के रूप में वो लोग अपनाना चाहते हैं। उसके बाद में लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो हमारी इंडियन रेसिपीज़ की बात करें तो उसमें दही का बहुत इस्तेमाल होता है, तो किस तरीके से आप इसको रिप्लेस करेंगे वीगन फूड में? दही तो हम पीनट्स, मतलब मूंगफली के दूध से भी बना सकते हैं। मूंगफली को थोड़ा भिगो के उसका दूध निकाल के थोड़ा गर्म करके, ये सब रेसिपी है शरण वेबसाइट पे। आप sharanindia.org जाएंगे, वहाँ पे रेसिपीज़ है। एक बहुत आसान चीज़ है जो नारियल, हमारे जो मलाई जो रहती है टेंडर मलाई जो नारियल पानी के होती है, उसको आप मिक्सी में डाल के थोड़ा नमक और थोड़ा नींबू डालो तो वो बिल्कुल दही जैसे लगता है। बहुत आसान है कि दही को हम प्लांट बेस्ड बनाए। कढ़ी, दही वड़ा कुछ बना सकते हैं, रबड़ी, आइसक्रीम, वो भी कैशूज से बनती है। और फिर हम मीट ऑल्टरनेटिव भी सिखाते हैं, चीज ऑल्टरनेटिव भी सिखाते हैं, चाय कैसा बनाने का दूध बिना, वो सब कुछ हम सिखाते हैं। आप सवेरे से शाम तक आप लोग घूमते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं वीगन फूड का, तो उसके बाद जब आप घर लौटते हैं तो आपके अंदर क्या सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, कैसे आप सोचते हैं कि किस तरीके से? एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, पहले मैं पेशेंट्स के साथ बात करती थी और रोज आके कंप्लेंट करते थे। अभी मैंने सब कुछ समझाया वेबसाइट से, सेमिनार से, कुकिंग क्लासेस से, और हर रोज एक ईमेल आता है कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये ठीक हो गया, तो कितना सेटिस्फैक्शन होता है, यू नो। और वैसे ही हम भी जब जाके आते हैं तो हमको लोग बोलते हैं कि मैं खुद वीगन बन गई हूँ और मेरे फैमिली को भी मैंने समझाया है तो वो भी वीगन बन गए हैं। तो जो हम एक इंसान को हम बताते हैं तो हमको दिखता है कि वो 10 लोगों को और बताते हैं, तो ये बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि सिर्फ हमारा नहीं, मतलब वो भी बता रहे हैं, क्योंकि वो समझदार है, समझे हैं, तो उनको लगता है कि दूसरों को भी बताना ज़रूरी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी आपको सफलता मिलती होगी, कई बार आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता होगा, तो फिर उस समय आप कैसे उन लोगों को टैकल करते हैं? क्या आप खुद अपने आप को समझा लेते हैं या वो लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि आप वीगन बन जाए? कोई लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन ही करते हैं, राइट, तो हम हमारे टाइम नहीं बर्बाद करते, नेक्स्ट। हाँ, क्योंकि अगर समझने वाले नहीं है तो
हम कैसे समझाएं, तो फ़ायदा ही नहीं है उनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने। और 100 लोग हैं जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि है। कितने लोग हैं हमको रोज पूछते हैं कि आ जाओ, रोज क्वेश्चंस आते हैं, लोग जानना चाहते हैं ना। वीगन फूड जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके आपने बहुत सारे अभूतपूर्व काम किए, तो आपको कोई ऐसे अचीवमेंट मिले हो जिसके बारे में आप बताएं कि आपने ये काम किया है, किसी संस्थाओं ने सम्मानित किया हो या राज्य सरकार से आपको कोई पुरस्कार मिले हो? मुझे 2016 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, क्योंकि मैंने ये काम किया है इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कितने लोगों का डिजीजेस रिवर्स हो गए, मैंने किडनी डिजीज और जो डिजीजेस डॉक्टर बोलते हैं रिवर्सिबल नहीं है, इतने लोग बहुत डिजीजेस रिवर्स की है। अगर हम वीगन फूड की बात करें, जैसे हम सोया मिल्क और ये, तो ये हमारे यहाँ क्या वीगन फूड से रिलेटेड सुपर मार्केट्स अवेलेबल है या अभी आपको लगता है कि आगे बहुत बढ़ जाए? एक्चुअली सुपरमार्केट की भी ज़रूरत नहीं है, हम बना सकते हैं घर में, लेकिन आजकल सब कुछ मिलता है, बटर मिल्क भी पैकेट में मिलता है, आमंड मिल्क भी पैकेट में मिलता है, चॉकलेट आमंड मिल्क भी पैकेट में मिलता है। आप कोई भी मेजर स्टोर में जाएंगे तो बहुत सारे पैकेट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, अलग अलग कंपनियों के मिलते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आप जो इंडियन होटल मैनेजमेंट जो भोपाल सेंटर है, ये शायद इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वेजिटेरियन डिग्री मिल रही है होटल मैनेजमेंट की? नहीं, इकलौता नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। इसी IHM में 2 साल पहले शायद 7-8 लोग थे, फिर 12, आज 20 लोग हैं फर्स्ट ईयर में। तो मतलब संख्या भी बढ़ रही है क्योंकि लोगों तक अभी पहुंच रहा है कि ये वेजिटेरियन कोर्स है। तो वेजिटेरियन का कोर्स मतलब बहुत ही अभी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी में अभी वीगन आ गया है। डॉक्टर नंदिता शाह मैम, आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे जो ऑडियंस है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे वीगन फूड से रिलेटेड? मैं शरण की फाउंडर हूँ, शरण का 5-पॉइंट प्लान है कि हर एक फूड होल होना चाहिए। होल का मतलब फाइबर मत निकालो, जैसे कि चीनी, ऑयल, तेल या वाइट राइस, मैदा, ये वीगन चीज़ तो है लेकिन रिफाइंड है, तो उसमें तत्व नहीं है। सो होल होना चाहिए, प्लांट बेस्ड होना चाहिए, जैविक या ऑर्गेनिक होना चाहिए, और हर एक आदमी वेदर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, ये 5 पॉइंट्स के ऊपर अटेंशन देंगे और सब कुछ करेंगे तो हेल्थ 100%। साबुत चावल हो, साबुत दाल हो, अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे के साथ हो, और मतलब आप नारियल खाओ लेकिन नारियल का तेल मत खाओ, उसका चौथा है निकालो मत, मूंगफली खाओ, मूंगफली का तेल मत खाओ। तो अक्खा खाएंगे तो जो निसर्ग ने हमको दिया है सब हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है वो मिल जाता है। और इवन काकड़ी या दूधी या लौकी, कोई भी चीज़ का छिलका मत निकालो। मैं ये सलाह देना चाहती हूँ कि हम जब से छोटे हैं तो हमको सिखाया जाता है कि ये मुर्गी खाने की चीज़ है, ये दूध पीने की चीज़ है, लेकिन अगर हम बच्चे को एक मुर्गी दे दें और उसको बोले कि अभी हम इसको जान लेके उसके मारने वाले हैं, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे उसके साथ खेलना है, उसकी जान मत लो। तो हम अपने दिल की और मन की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको समाज ने कंडीशन किया है कि इसको, इस हिंसा को नॉर्मल समझने के लिए। अगर हम दिल की बात सुनेंगे तो हम कोई भी जानवर की जान नहीं लेंगे। मैं जब नॉन वेजिटेरियन थी, मैं तो चिकन शॉप जाती थी और बोलती थी काट के रखो, मेरे सामने मत काटो, क्योंकि वो देखना बहुत दर्दनाक है। तो हमको दिल की बात भी सुननी बहुत ज़रूरी है, और जो हमारे वैल्यूज़ है उनको जीना बहुत ज़रूरी है। मैं एनिमल लवर कहलाती थी खुद को, और चिकन खाती थी या मटन खाती थी या फिश खाती थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि अगर मैं एनिमल लवर हूँ तो किसी दूसरे जानवर की जान, उसके ऊपर अत्याचार होना मैं नहीं दूंगी। तो दिल की बात सुननी बहुत ज़रूरी है। वीगन फूड को अपनाने से अहिंसा परमो धर्म का पालन हम कर रहे हैं। तो आप दोनों यहाँ आए हमारे इस कार्यक्रम में, आपने समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने वीगन फूड एक्सपर्ट डॉक्टर नंदिता शाह और दशना मजुमदार जी से बहुत सी बातें जानी। तो अगर आप वीगन फूड को अपने जीवन में अपना लेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगली बार फिर हम किसी और नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
you.